इस वीडियो को आप झूठा ना समझे, क्योंकि आज की वीडियो हम लेके आए हैं परम पूज्य गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार के पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण महाराज जी की। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे ऑस्ट्रेलिया में परम पूज्य गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार थे तो मुंबई में कैसे पहुंच गए। मुंबई में मुकेश अंबानी के जो लड़के था उसकी शादी थी, उसी के शादी के कार्यक्रम में बागेश्वर धाम सरकार भी सभी साधु संत महापुरुषों के साथ आशीर्वाद देने के लिए पहुँच गए मुंबई। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे ऑस्ट्रेलिया से बागेश्वर धाम सरकार को मुंबई पहुंचने में कितना टाइम लगेगा और इतना जल्दी कैसे आ गए। मैं बताता चलूँ, फ्लाइट से ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मुंबई के लिए सब जगह की फ़्लाइट मिलती है, ऑस्ट्रेलिया से मुंबई के लिए भी फ़्लाइट मिलती है। वहाँ पर बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े साधु संत, वहाँ पर अभिनेत्री जैसे अमिताभ बच्चन हो गए, रजनीकांत हो गए, संजय दत्त हो गए, और बड़े बड़े कृष्ण शास्त्री जी हो गए, और अमिताभ बच्चन को आप देख सकते हैं कैसे वीडियो के हाथ जोड़ कर यहाँ बागेश्वर धाम सरकार के आगे खड़े हैं। इस बीच में नरेंद्र मोदी भी पहुँचे थे, जी हम भारत के जो मंत्री हैं, और मंत्री के साथ साथ देख सकते हैं खली भी पहुँचे। खली और संजय दत्त का आशीर्वाद देखते हुए आप देख सकते हैं खली का हाथ पकड़ रखा, खली ने बागेश्वर धाम सरकार का। ये अद्भुत सी वीडियो है, इस वीडियो को नकारे नहीं, झूठा नहीं समझे। अगर आप बागेश्वर धाम सरकार को मानते हो, श्रद्धा से उन पर विश्वास करते हो, आस्था रखते हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करो। परम पूज्य गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार की आज तक लोगों ने अमिताभ के साथ फ्रॉड वीडियो बनाई थी, आज तक लोगों ने अनेक प्रकार के हीरो के साथ फ्रॉड वीडियो बनाई थी, झूठी बनाई थी, आज तक लोगों ने नरेंद्र मोदी और बागेश्वर धाम सरकार का फोटो लगा के वीडियो बनाई थी। आज मैं आपको रियल वीडियो दिखा रहा हूँ, रियल साधु संत महापुरुषों के साथ। ये देख सकते हैं नरेंद्र मोदी हाथ में माला लेकर स्वागत कर रहे हैं, किनका? परम पूज्य गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार के महाराज जी श्री धीरेन्द्र कृष्ण महाराज जी, जो कि 256 कन्याओं की शादी करने जा रहे हैं शिवरात्रि पर। हाँ, आप सही सुन रहे हैं, और इस गुरु पूर्णिमा पर सभी भक्तों को गुरु दीक्षा भी देंगे, और गुरु दीक्षा में काफ़ी सारे भक्तों ने रजिस्ट्रेशन करवा रखा, आप भी करवा सकते हैं, कार्यालय के नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। जी हाँ, इस बार भी शिवरात्रि पर 256 लड़कियों की शादी करेंगे। परम पूज्य गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार से मिलते हुए रजनीकांत सुपरस्टार जो कि रह चुके हैं, और इस बीच में साधु संत महापुरुषों के साथ सेल्फी खिंचवाते हुए परम पूज्य गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार मुंबई में मुकेश अंबानी की लड़के की शादी में आशीर्वाद देने के लिए सभी साधु संत महापुरुषों के साथ पहुंचे। जी हाँ, खली के साथ मनोज तिवारी भी इनके शिष्य। इस वीडियो को आप झूठा ना समझे, क्योंकि आज की वीडियो हम लेके आए हैं परम पूज्य गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार के पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण महाराज जी की। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे ऑस्ट्रेलिया में परम पूज्य गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार थे तो मुंबई में कैसे पहुंच गए। मुंबई में मुकेश अंबानी के जो लड़के था उसकी शादी थी, उसी के शादी के कार्यक्रम में बागेश्वर धाम सरकार भी सभी साधु संत महापुरुषों के साथ आशीर्वाद देने के लिए पहुंच गए मुंबई। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे ऑस्ट्रेलिया से बागेश्वर धाम सरकार को मुंबई पहुंचने में कितना टाइम लगेगा और इतना जल्दी कैसे आ गए। मैं बताता चलूँ, फ्लाइट से ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मुंबई के लिए सब जगह की फ़्लाइट मिलती है, ऑस्ट्रेलिया से मुंबई के लिए भी फ़्लाइट मिलती है। वहाँ पर बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े साधु संत, वहाँ पर अभिनेत्री जैसे अमिताभ बच्चन हो गए, रजनीकांत हो गए, संजय दत्त हो गए, और बड़े बड़े कृष्ण शास्त्री जी हो गए, और अमिताभ बच्चन को आप देख सकते हैं कैसे वीडियो के हाथ जोड़ कर यहाँ बागेश्वर धाम सरकार के आगे खड़े हैं। इस बीच में नरेंद्र मोदी भी पहुँचे थे, जी हम भारत के जो मंत्री हैं, और मंत्री के साथ साथ देख सकते हैं खली भी पहुँचे। खली और संजय दत्त का आशीर्वाद देखते हुए आप देख सकते हैं खली का हाथ पकड़ रखा, खली ने बागेश्वर धाम सरकार का। ये अद्भुत सी वीडियो है, इस वीडियो को नकारे नहीं, झूठा नहीं समझे। अगर आप बागेश्वर धाम सरकार को मानते हो, श्रद्धा से उन पर विश्वास करते हो, आस्था रखते हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करो। परम पूज्य गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार की आज तक लोगों ने अमिताभ के साथ फ्रॉड वीडियो बनाई थी, आज तक लोगों ने अनेक प्रकार के हीरो के साथ फ्रॉड वीडियो बनाई थी, झूठी बनाई थी, आज तक लोगों ने नरेंद्र मोदी और बागेश्वर धाम सरकार का फोटो लगा के वीडियो बनाई थी। आज मैं आपको रियल वीडियो दिखा रहा हूँ, रियल साधु संत महापुरुषों के साथ। ये देख सकते हैं नरेंद्र मोदी हाथ में माला लेकर स्वागत कर रहे हैं, किनका? परम पूज्य गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार के महाराज जी श्री धीरेन्द्र कृष्ण महाराज जी, जो कि 256 कन्याओं की शादी करने जा रहे हैं शिवरात्रि पर। हाँ, आप सही सुन रहे हैं, और इस गुरु पूर्णिमा पर सभी भक्तों को गुरु दीक्षा भी देंगे, और गुरु दीक्षा में काफ़ी सारे भक्तों ने रजिस्ट्रेशन करवा रखा, आप भी करवा सकते हैं, कार्यालय के नंबर पर संपर्क कर सकते हैं,
जी हाँ, इस बार भी शिवरात्रि पर 256 लड़कियों की शादी करेंगे। परम पूज्य गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार से मिलते हुए रजनीकांत सुपरस्टार जो कि रह चुके हैं और इस बीच में साधु संत महापुरुषों के साथ सेल्फी खिंचवाते हुए परम पूज्य गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार मुंबई में मुकेश अंबानी की लड़की की शादी में आशीर्वाद देने के लिए सभी साधु संत महापुरुषों के साथ पहुंचे। जी हाँ, खली के साथ मनोज तिवारी भी इनके शिष्य। इस वीडियो को आप झूठा ना समझे क्योंकि आज की वीडियो हम लेके आए हैं परम पूज्य गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार के पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण महाराज जी की। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे ऑस्ट्रेलिया में परम पूज्य गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार थे तो मुंबई में कैसे पहुंच गए। मुंबई में मुकेश अंबानी के जो लड़के था उसकी शादी थी, उसी के शादी के कार्यक्रम में बागेश्वर धाम सरकार भी सभी साधु संत महापुरुषों के साथ आशीर्वाद देने के लिए पहुँच गए मुंबई। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे ऑस्ट्रेलिया से बागेश्वर धाम सरकार को मुंबई पहुंचने में कितना टाइम लगेगा और इतना जल्दी कैसे आ गए। मैं बताता चलूँ, फ्लाइट से ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मुंबई के लिए सब जगह की फ़्लाइट मिलती है, ऑस्ट्रेलिया से मुंबई के लिए भी फ़्लाइट मिलती है। वहाँ पर बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े साधु संत, वहाँ पर अभिनेत्री जैसे अमिताभ बच्चन हो गए, रजनीकांत हो गए, संजय दत्त हो गए और बड़े बड़े कृष्ण शास्त्री जी हो गए और अमिताभ बच्चन को आप देख सकते हैं कैसे वीडियो के हाथ जोड़ कर यहाँ बागेश्वर धाम सरकार के आगे खड़े हैं। इस बीच में नरेंद्र मोदी भी पहुँचे थे, जी हाँ, भारत के जो मंत्री हैं, और मंत्री के साथ साथ देख सकते हैं खली भी पहुँचे। खली और संजय दत्त का आशीर्वाद देखते हुए आप देख सकते हैं खली का हाथ पकड़ रखा, खली ने बागेश्वर धाम सरकार का। ये अद्भुत सी वीडियो है, इस वीडियो को नाकारे नहीं, झूठा नहीं समझे। अगर आप बागेश्वर धाम सरकार को मानते हो, श्रद्धा से उन पर विश्वास करते हो, आस्था रखते हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करो। परम पूज्य गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार की आज तक लोगों ने अमिताभ के साथ फ्रॉड वीडियो बनाई थी, आज तक लोगों ने अनेक प्रकार के हीरो के साथ फ्रॉड वीडियो बनाई थी, झूठी बनाई थी। आज तक लोगों ने नरेंद्र मोदी और बागेश्वर धाम सरकार का फोटो लगा के वीडियो बनाई थी। आज मैं आपको रियल वीडियो दिखा रहा हूँ, रियल साधु संत महापुरुषों के साथ। ये देख सकते हैं नरेंद्र मोदी हाथ में माला लेकर स्वागत कर रहे हैं, किनका? परम पूज्य गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार के महाराज जी श्री धीरेन्द्र कृष्ण महाराज जी, जो कि 256 कन्याओं की शादी करने जा रहे हैं शिवरात्रि पर। हाँ, आप सही सुन रहे हैं, और इस गुरु पूर्णिमा पर सभी भक्तों को गुरु दीक्षा भी देंगे और गुरु दीक्षा में काफ़ी सारे भक्तों ने रजिस्ट्रेशन करवा रखा, आप भी करवा सकते हैं, कार्यालय के नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। जी हाँ, इस बार भी शिवरात्रि पर 256 लड़कियों की शादी करेंगे। परम पूज्य गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार से मिलते हुए रजनीकांत सुपरस्टार जो कि रह चुके हैं और इस बीच में साधु संत महापुरुषों के साथ सेल्फी खिंचवाते हुए परम पूज्य गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार मुंबई में मुकेश अंबानी की लड़की की शादी में आशीर्वाद देने के लिए सभी साधु संत महापुरुषों के साथ पहुंचे। जी हाँ, खली के साथ मनोज तिवारी भी इनके शिष्य। इस वीडियो को आप झूठा ना समझे क्योंकि आज की वीडियो हम लेके आए हैं परम पूज्य गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार के पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण महाराज जी की। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे ऑस्ट्रेलिया में परम पूज्य गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार के तो मुंबई में कैसे पहुंचे। झूठा नहीं समझे, मुंबई में अगर मुकेश अंबानी के लड़के का मानता श्रद्धा से उन पर विश्वास करते हो, आस्था रखते हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करो। सभी परम पूज्य गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार की आशीर्वाद देने के लिए पहुंच गए मुंबई। नरेंद्र मोदी और बागेश्वर धाम सरकार का फोटो लगा मुंबई बनाई है, सब जगह की फ्लाइट मिलती है, वीडियो दिखा रहा हूं ऑस्ट्रेलिया से मुंबई के लिए भी महापुर से साथ है। ये देख सकते हैं नरेंद्र मोदी हाथ बड़े बड़े फूलों के माला लेकर स्वागत कर रहे हैं अभिनेत्री परम पूज्य गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार के रजनीकांत जी श्री धीरेन्द्र कृष्ण महाराज जी, जो कि और बड़े बड़े 256 कन्याओं की शादी करने जा रहे हैं शिवरात्रि पर। अमिताभ बच्चन को आप सुन रहे हैं कैसे वीडियो के हाथ जोड़ लिए, यहां पे सभी बागेश्वर धाम सरकार के आगे खड़े हैं और इस बीच में नरेंद्र मोदी भी पहुंचे थे। जी हां, भक्तों ने रजिस्टर जो मंत्री हैं आप भी करवा सकते हैं, मंत्री के साथ के नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। खली भी पहुंचे, इस बार भी शिवरात्रि और 256 लड़कियों की शादी करेंगे। आप देख सकते हैं खली का धाम सरकार से खली रहने का बागेश्वर धाम सरकार का यह अद्भुत वीडियो है, इस वीडियो को नाकारे नहीं, झूठा नहीं समझे। अगर आप बागेश्वर धाम सरकार को मानते हो, बागेश्वर धाम सरकार मुंबई में विश्वास करते हो, आस्था रखते हो, लाइक और शेयर करो।
परम पूज्य गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार दिल्ली के लिए सभी साधु संतों ने महापुरुषों के साथ पहुंचे। अनिता के साथ प्रोड वीडियो बनाई, मनोज तिवारी भी इनके साथ लोगों ने और अनेक प्रकार के हीरो के साथ प्रोड वीडियो बनाई थी, झूठी बनाई थी, खली भी इनके लोगों ने बन चुके हैं। नरेंद्र मोदी और बागेश्वर धाम सरकार का फोटो लगा के वीडियो बनाई थी। पहली बार देखो अनिता बच्चन को और वैसे तो वीडियो के माध्यम से साधु वीडियो डाल रखी है लोगों ने। ये देश पर नरेंद्र मोदी और बागेश्वर धाम सरकार ने घोष रखा है किनका, हालांकि उसमें बागेश्वर धाम गुरुदेव नहीं है, बागेश्वर धाम सरकार के महाराज जी श्री देवेंद्र कृष्ण महाराज जी जो की संत महापुरुष है, इसने कन्या वर की शादी करने जा रहे हैं, सबसे ज्यादा प्रेम मिलता है बागेश्वर धाम सरकार के श्री देवेंद्र कृष्ण। गुरु पूर्णिमा पे सभी भक्तों को गुरु दीक्षा भी देंगे दरबार से आज जाने को जानते हैं, विश्व में काफी सारे भक्तों ने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, आप भी करवा सकते हैं, सभी सारे लेकिन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। जी हाँ, इस बार भी शिवरात्रि पर 256 लड़कियों की शादी करेंगे। परम पूज्य गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार से मिलते हुए रजनीकांत मित्रों सुपर स्टार जो की रह चुके हैं संतों का और इस बात के लिए हाथ जोड़ा पुरुषों के साथ सैंपल का सैंपल खिंचवाते हैं। परम पूज्य गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार में मुस्कुराहट ना थकावट लड़के की शादी में तो आशीर्वाद देने के लिए सभी साथ नरेंद्र मोदी ने भी बागेश्वर धाम सरकार जी हाँ खली के साथ मनोज तिवारी भी इनके माला पहनाई।